तो फ्रेंड आज हम लोग मीवी का डुओपोड A50 का अनबॉक्सिंग एंड फुल रिव्यू करने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट से मैंने इस ऑर्डर किया था। तो इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स कर लेते हैं अभी। तो बॉक्स को अनबॉक्स करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर बिल आपको मिल जाएगा। तो मैंने जब ऑर्डर किया है तो अब 999 में मुझे मिल गया है। तो अभी के लिए कितना प्राइस है वो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं और उस लिंक से आप उस प्रोडक्ट को ले भी सकते हैं। तो इस ईयरबड्स को लेने के पहले इस वीडियो आप लोग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा इसका जो साउंड क्वालिटी कैसा है, इसका नॉइस कंसंट्रेशन कैसा है। तो उसके बाद आप इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जो रैपर दिया हुआ है उस रैपर को अनबॉक्स कर लेते हैं। तो बॉक्स के ऊपर साइड में यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग दिया हुआ है और हमने ब्लैक कलर यहाँ पर ऑर्डर किया है और यहाँ पर डुओपोड A50 यहाँ पर लिखा हुआ है। और एक बात, आप मेड इन इंडिया का कोई भी ईयरबड्स अगर लेना चाहते हैं तो आँख बंद करके इस प्रोडक्ट को आप ले सकते हैं, ये प्रोडक्ट मेड इन इंडिया का प्रोडक्ट है। तो इस बॉक्स के पीछे की साइड में यहाँ पर कुछ स्पेसिफिकेशन लिखा हुआ है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर HD स्टूडियो साउंड आपको सुनकर मिलेगा। यहाँ पर फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी दिया हुआ है, Type-C पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है और लास्ट में यहाँ पर MRP लिखा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2999 लिखा हुआ है, मगर इससे बहुत कम प्राइस में आपको ऑनलाइन में मिल जाएगा। तो ऑनलाइन का लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए इस बॉक्स को हम लोग अनबॉक्स करके देख लेते हैं इसके अंदर क्या क्या मिलता है। F30, F40, F60 सब बॉक्स एक जैसा ही है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर एक वारंटी कार्ड आपको मिल जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये ऑन ईयर का वारंटी कार्ड है और एक यूज़र मैनुअल यहाँ पर दिया हुआ है। तो ये देख के आप ये कैसे यूज़ करना है, इस ईयरबड्स कैसे यूज़ करना है, यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस वीडियो में लास्ट में आपको पता चल जाएगा ये कैसे यूज़ करना है। और ये रहा वेलकम कार्ड। तो अभी बॉक्स हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक छोटा सा और एक बॉक्स यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या है हम लोग देख लेते हैं। तो ये ओपन करके हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक सी टाइप का केबल यहाँ पर मिल जाएगा, तो और कुछ नहीं है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यह बहुत अच्छा क्वालिटी का यहाँ पर केबल दिया हुआ है और सी टाइप का दिया हुआ है। तो ये फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट भी यहाँ पर है। तो केबल आप लोग देख लीजिए, छोटा सा एक केबल है। तो ये रहा मीवी कंपनी का डुओपोड A50। तो आप लोग यहाँ पर चार्जिंग के साथ आप लोग देख सकते हैं, राउंड शेप में ये आता है। तो बिल्ड क्वालिटी और मटेरियल के बारे में बात करते हैं। तो ये जो चार्जिंग केस है ये यहाँ पर पॉलीकार्बोनेट मटेरियल यहाँ पर यूज़ किया गया है। ग्लोसी फिनिशिंग यहाँ पर दिया हुआ है और काफ़ी लाइट वेट है, आप इजीली ये कैरी कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो डिज़ाइन आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर मीवी का ब्रांडिंग यहाँ पर दिया हुआ है और चार्ज इंडिकेट करने के लिए यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेटर यहाँ पर दिया हुआ है, चार इंडिकेटर यहाँ पर मिल जाएगा। और नीचे की साइड में यहाँ पर Type-C पोर्ट यहाँ पर दिया हुआ है। तो अभी चार्जिंग के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ चार्जिंग केस में 500 mAh बैटरी दिया हुआ है और इसके अंदर जो ईयरबड्स है वो ईयरबड्स में 40 mAh बैटरी यहाँ पर दिया हुआ है। तो दो ईयरबड्स है, तो दो ईयरबड्स में 40 mAh बैटरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर ईयरबड्स आप लोग देख लीजिए, तो यहाँ पर जो इंडिकेटर यहाँ पर दो ईयरबड्स है, तो यहाँ पर ऊपर की साइड में यहाँ पर इंडिकेटर आपको मिल जाएगा इंडिकेट करने के लिए। और यहाँ पर मल्टीफंक्शन बटन यहाँ पर दिया हुआ है, तो साउंड अप डाउन जो भी करना है, नेक्स्ट वगैरह करना है, रिसीव करना है, सब इस मल्टीफंक्शन बटन से हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, ऐसे टाइप का आपको ईयरबड्स मिल जाएगा। तो ऊपर की साइड में यहाँ पर लेफ्ट और राइट मेंशन किया हुआ है। तो नीचे की साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैग्नेटिक चार्जर पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर ही माइक्रोफोन यहाँ पर दिया हुआ है। तो लेफ्ट राइट दोनों में ही माइक्रोफोन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर जो ऑडियो ड्राइवर दिया है वो 13 mm ड्राइवर यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसका जो ऑडियो जो बेस क्वालिटी वो बहुत अच्छा सुनने को मिलेगा। और यहाँ पर जो ब्लूटूथ दिया हुआ है वो 5.1 ब्लूटूथ दिया हुआ है, तो कनेक्टिविटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो डुअल माइक्रोफोन के साथ यहाँ पर PNC का सपोर्ट भी मिल जाएगा, तो बात करने के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। तो यहाँ पर सुन लीजिए आप लोग। तो फ्रेंड अभी आप लोगों को साउंड सुनने को मिला है, ए मी भी डुओपोड A50 का साउंड सुनने को मिला है। तो इसका साउंड क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। और मैं इस ईयरफोन से मैंने फ्रेंड्स के साथ बात किया है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आया है। तो आप ये ईयरफोन ले सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। और इसका जो बेस क्वालिटी ये भी बहुत अच्छा है, आप म्यूजिक वगैरह सुनने के टाइम कोई भी दिक्कत नहीं आएगा, आप गेम वगैरह भी अच्छे तरह से खेल सकते हैं।
तो फ्रेंड अभी इस डिवाइस को कैसे यूज़ करना है वो आप लोग यहाँ पर देख लीजिए। काफ़ी लाइट वेट है और आप गाना वगैरह सुना चाहते हैं तो यहाँ पर जो मल्टीफंक्शन बटन है वो एक बार टच करने से आपके गाना चालू हो जाएगा, और आप बंद करना चाहते हैं तो एक बार टच करने से वो स्टॉप हो जाएगा, और आप नेक्स्ट करना चाहते हैं तो राइट ईयरबड्स दो बार टच करने से ही नेक्स्ट हो जाएगा, और लेफ्ट जो ईयरबड्स है वो दो बार टच करने से पीवीआर हो जाएगा। तो ऐसे करके आप म्यूज़िक वगैरह सुना चाहते हैं तो सुन सकते हैं, और आपको कोई भी कॉल आ रहा है आपको रिसीव करना है तो आप एक बार टच करने से ये रिसीव हो जाएगा, और कॉल एन करना है तो एक बार टच कीजिए तो कॉल एन हो जाएगा। तो चलिए अभी इसका साउंड क्वालिटी कैसा है वो आप लोग एक बार सुन लीजिए। और एक बात, आपको साउंड इंक्रीज़ करना है तो राइट जो ईयरबड्स है वो आपको टास्क करके रखना पड़ेगा तो साउंड इंक्रीज होगा, और लेफ्ट ईयरबड्स आप टास्क करके रखिए तो साउंड डिक्रीज होगा। तो यहाँ पर आप लोग सुन लीजिए, यहाँ पर साउंड डिक्रीज हो रहा है। इसके बाद राइट वाला जो ईयरबड्स है वो टास्क करके साउंड इंक्रीज करके आप लोगों को दिखाएंगे। तो फिर साउंड आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए, 80% साउंड से कैसा है, 50% साउंड से कैसा है साउंड सुनने को मिल रहा है, इसका बेस कैसा है सपोज आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। Sometimes I get so mad, there's no control in me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned for the rest of the show. So have you ever felt betrayed? Switches how you see things, realize something needs change. Cause I know you got me f***ed up, let me show you what's up. Cause enough is enough. I'll take a face full of pavement just to make a statement. I know there's no turning back. Oh God, adrenaline wasted, so mad I can taste it. I know there's no turning back. I'll do what it takes, I ain't making mistakes like that. I'll bleed on your face to make you go take it back. I'll lose my shit, I go crazy when I'm. तो नेक्स्ट रिव्यू करके भी आप लोग यहाँ पर दिखा रहे हैं तो आप लोग यहाँ पर सुन लीजिए। तो फ्रेंड साउंड तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो आपको कैसा लग रहा है वो नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। तो इसका कुछ फीचर आप लोग जान लीजिए जो जो मुझे अच्छा लगा। तो इसका 50 आवर्स प्लेबैक टाइम आपको मिल जाएगा, यहाँ पर सी टाइप का चार्जिंग केस आपको मिल जाएगा, तो फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट यहाँ पर है, तो एक घंटे में ये पूरी तरह फुल चार्ज हो जाता है, तो ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। और क्वालिटी और माइक बहुत अच्छा है, आप किसी के साथ बात करना चाहते हैं तब आप कोई भी साइड बार कोई नॉइज़ वगैरह नहीं आएगा, और जिसके साथ आप बात कर रहे हैं उसका साउंड भी पूरी तरह क्लियर आपको सुनाई देगा। और इसका साउंड क्वालिटी यहाँ पर 30 mm डीआईवाई दिया हुआ है, तो इसका जो बेस क्वालिटी है मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर सब कुछ आपको अच्छा चाहिए तो ये डिवाइस मी भी डुओपोड F50 आप ले सकते हैं। तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वो आप जाकर आप लोग देख सकते हैं अभी के लिए कितना प्राइस है, और उस लिंक से आप ले भी सकते हैं। तो थैंक्स एचोजा वीडियो देखने के लिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, सब्सक्राइब करके दबा दीजिए।